वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या हाल है व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दिए हुए रिज़्क से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके रिज़्क में बरकत दे, आपके खानों का जायका सलामत रखे, आपको तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी दे, आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारे इदारों को मजबूत करे और हमें अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के साथ, अपने इदारों के साथ मुखलिस और वफादार रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। मैं बना रही हूँ चने की दाल की खिचड़ी। ये मेरे पास चीज़ें हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मेरे पास तकरीबन 400 ग्राम चावल हैं जो कि मैंने धो के जिनको मेरे पास 400 ग्राम चावल हैं और मेरे पास ये 100 ग्राम चने की दाल है। ये मेरे पास एक टमाटर है और एक प्याज है, सब्ज मिर्च है और ये मेरे पास सुरख मिर्च है, फैजीरा है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है। अब हम शुरू करते हैं। ये ऑयल हाफ कप ऑयल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज है, मैंने इसमें लहसुन नहीं ऐड किया, अदरक में इसमें ऐड करूँगी। ये इसमें अदरक है, साथ ही मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। जब मैंने बॉईल की थी तो मैंने उसमें नमक ऐड कर दिया था, इसलिए अब मैंने नमक नहीं ऐड किया क्योंकि नमक इसमें बिल्कुल सही है। हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है। अब मैं इनको दम लगा दूंगी और ये मेरे पास कुटी हुई सुरख मिर्च है। हमारे चावल तो हो गए हैं, दाल की खिचड़ी चने की दाल की खिचड़ी बहुत मज़ेदार बनी है। बहुत अच्छा कलर यानी खूबसूरत कलर है। अब मैं इसको बॉईल में डालूंगी। देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी चने की दाल की खिचड़ी बन गई है, बहुत मज़ेदार बनी है, बहुत प्यारा कलर है। साथ में हमारे पास दही का रायता है, सब्ज़ मिर्च है, लहसुन है, अदरक है, पुदीना है और फिर मैंने उसके ऊपर दही धनिया उसके ऊपर डाला है। देखें जी कितना मज़ेदार बनी है चीज़ें। बच्चों के लिए बनाएं, बड़ों के लिए बनाएं। हमारी रेसिपी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस वबा को, इस बीमारी को हमसे, हमारे मुल्क से, पूरी दुनिया से दूर कर दे। अपने बरकत और इज्जत वाले घर के दरवाज़े हम मुसलमानों पर खोल दे। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन।